ठंडियां आई नहीं कि सबकी डिमांड बढ़ जाती है तो काम बहुत बढ़ जाता है। तो भाई अब घंटों का काम होगा, मिनटों में कुछ नहीं करना है, बस छीलो काटो और बना लो। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू कुकिंग व्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं गाजर के हलवे की बात कर रही हूँ। आप सबको पता होगा कि ठंडियों में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं भाई। मटर छीलना होता है, पालक, बथुआ, मेथी, ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे में ही गाजर के हलवे की भी डिमांड आती है, उसे भी कद्दूकस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भाई अब कद्दूकस करने का बिल्कुल भी झंझट नहीं रहेगा। इस तरीके से भी गाजर का हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए सबसे पहले गाजर को अच्छे से धुल लेना है। ध्यान रखना है आपको कि गाजर आप काटने से पहले ही धुल लें, काटने के बाद ना धुलें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गाजर अच्छे से धुल लिया है और फिर मैं इसे छील ले रही हूँ। और यहाँ पर ये मैंने आधा किलो के लगभग गाजर ली है और पतली पतली गाजर ही ली है, आप देख सकते हैं, मोटी गाजर नहीं ली है। अगर आप मोटी गाजर ले रहे हैं तो उसमें जो है गाजर के चार पीसेस करिए। ये देखिए मैंने ऐसे गोल पीसेस में ही, देखिए छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में काट लिया है। अगर मोटी गाजर है तो गाजर के चार पीसेस कर लीजिए और ये बहुत अच्छे से पक जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होता है और बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनकर तैयार होता है। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये गाजर काटने से पहले ही मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था और ये 2 ग्लास फुल क्रीम दूध है। और अब हम लगातार चलाते हुए वेट करेंगे दूध में एक बॉयल आने तक का। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉईल आने लगा है। अब हमने जो गाजर काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे, ये देख सकते हैं, और इसे अब हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पर पकाएं। अगर मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं तो आप इसके साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं, बट अगर आप हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो फिर इसके साथ आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। ध्यान इस पर ही आपको रखना होगा और चलाते रहना होगा। तो मैंने तो इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया था, अपना साथ में दूसरा काम भी कर रही थी और बीच बीच में मैं इसे चलाती भी जा रही थी। और अभी देखिए दूध की क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ चीनी। तो यहाँ पर चीनी ये मैं 50 ग्राम के लगभग इसमें ऐड कर रही हूँ। आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और जब चीनी डालेंगे तो फिर से एक बार दूध जो है पतला हो जाएगा, फिर भी हमें लगातार इसे चलाते हुए पकाना है। और देखिए मैं इसे स्पैचुला से इस तरीके से मैश करती जा रही हूँ। तो आप चाहें तो स्पैचुला से इसे इस तरीके से मैश करते जाइए, या फिर जब आपका दूध मतलब ये सूख जाए और गाजर बिल्कुल अच्छे से पक जाए तो आप किसी मैशर से इसे मैश कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने ये गाजर जो है काट कर बनाई है या कद्दूकस करके बनाई है। अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं ये थोड़े से काजू बादाम काटे हुए, और आप चाहें तो इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए काजू बादाम को घी में फ्राई करके ऐड करिए या फिर लास्ट में घी का तड़का लगा दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए लगातार चलाते हुए मैंने इसे पकाया और मैं इसे पूरी तरीके से नहीं सुखा रही हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत था तो मेरा खीर खाने का मन था गाजर की, तो मैंने इसे पूरा नहीं सुखाया है। आप पूरा इसे अच्छे से सुखा लीजिए और बहुत ही टेस्टी से ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आपने इसे काट कर बनाया है या कद्दूकस करके बनाया है। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।